उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के एक छोटे से गांव भैंसिया में एक मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भैंसिया गांव में ही किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या करके शव को वहीं फेंक दिया और वहां पर हथियार भी उन्हीं के पास डाल दिया। देखे क्या है पूरा मामला, पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए लोग सुने पूरा मामला। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के व्यक्ति घर के ही बगल में एक खंडेरनुमा एक जो मकान बना है वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोलियाँ लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया एक गोली है। अभी तक पुलिस को पूरी तरह से खबर नहीं मिली है कि आखिर मामला क्या है। मामला जल्द सामने खुलकर आएगा, तब तक पुलिस भी लगी हुई है। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इमाम साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और दुश्मनों का जल्द से जल्द पता चले।